तो हाय यार भाइयों, ये देखो अपना इंडिया सर्वर में फाइनली आर्कटिक ब्लू बंडल रिटर्न आ रहा है। वाओ, जी हाँ एकदम सही सुन रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा आर्कटिक ब्लू बंडल कब रिटर्न आएगा और भाई ऑफिशियल डेट के साथ पोस्टर भी दिखा दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गेम में आने वाला कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में, जैसे कि दोस्तों आने वाला टॉप अप इवेंट कब आएगा, जो कि लेसेस मोड डायमंड टॉप अप इवेंट होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे अपना पोकार MP40 स्किन रिटर्न के बारे में, और इसी के साथ बात करेंगे आने वाला कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में। जो कि 7th एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल है। तो भाई हमेशा की तरह छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक करो, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, एंड अगर कर चुके हो तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करें इंडिया सर्वर में आने वाला टुनाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद गेम में आपको क्या रैप्चिक इवेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो भाई बात करेंगे पोस्टर के बारे में। तो आप देख पा रहे हो इसमें हमारा स्टार कैचर जो इमोट था ये देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो इमोट है ये फाइनली फेडेड व्हील इवेंट में आ रहा है, एंड अभी के टाइम पे भाई इसमें जो रेयर आइटम जो कि स्टार कैचर इमोट है यही देखने को मिल रहा है। और भाई साथ ही साथ जो सेकेंडरी रेयर आइटम होता है वो ऐड नहीं है। और भाई मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अगर आप किसी को प्रॉमिस करके रखे हो कि हाँ तेरे लिए मैं चांद तारे सितारे सब तोड़ के लाऊंगा, तो भाई आप प्रॉमिस को अभी के टाइम पे पूरा कर सकते हो। लाइक गेम के अंदर बुलाना है, उसके बाद भाई ये इमोट दिखा देना है, मतलब खत्म, उसके बाद बोलना लो मेरा प्रॉमिस खत्म, लाइक पूरा हो गया। तो है ना, काफी कमाल का आइडिया। और चलिए इसी के साथ बढ़ते वीडियो में आगे। और दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रहा है ओल्ड पिक रिटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों एकदम सही सुन रहे हो, एंड मैं आपको इस बार ओल्ड पिक कैसे रिटर्न आएगा या तो आपको ओल्ड पिक के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से दिखा दूंगा। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं, हमारा जो ओल्ड पिक होगा इसके लिए आपको यूज करना होगा ब्लैक होल, यानी कि भाई आपको टेलीपोर्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो होल वगैरह है ये आपको मैप के हर एक जगह पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि मैप अगर ओपन करोगे तो भाई कहाँ कहाँ है ये आपको मिल जाएगा। एंड भाई आप देख पा रहे हो एक टेलीपोर्ट होने के लिए होल है, तो आपको सीधा इस टेलीपोर्ट वाले होल में जाना है, देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई आप टेलीपोर्ट हो जाओगे, यानी कि अपना पिग में। एंड दोस्तों इसमें एक खास बात रहेगा, अगर आप पिग में आओगे तो भाई आपका जो कैरेक्टर है ये बहुत बड़ा रहेगा, एंड सभी घर वगैरह सभी के सभी बहुत छोटा छोटा देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ऊपर के साइड अगर आप अच्छे से देखोगे तो भाई इसमें आपको ड्रोन से काफी सारा ड्रॉप वगैरह देखने को मिल रहा है, जो कि 7th एनिवर्सरी स्पेशल गिफ्ट वगैरह रहेगा, यानी कि अगर फोड़ोगे सभी के सभी तो हो सकता है आपको कुछ मिले। एंड दोस्तों आप देख पा रहे हो अपना जितना भी पीक का घर वगैरह था कहीं गाइस एकदम मेमोरेबल लग रहा है, एंड कहीं बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एंड भाई साथ ही साथ आपको इसमें काउंटडाउन भी देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा टाइम तक आप रुक नहीं पाओगे, जितना टाइम दिया जाएगा उसके अंदर ही सभी के सभी बॉल आपको फोड़ देना है ताकि आपको कुछ मिले। एंड जैसे ही गाइस काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगेन आपको दूसरा आइलैंड पे दिया जाएगा, और भाई इस आइलैंड से आप कहीं पे भी जा नहीं सकोगे। हालांकि इसके अंदर आपको काफी सारा गन स्किन वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि आप टोकन से एक्सचेंज कर पाओगे, यानी कि नया पिक से जो भी टोकन कलेक्ट किए थे उससे गाइस आप खरीद पाओगे। उसके बाद भाई फाइनली आप मेन मैप के अंदर रिटर्न आ सकते हो, यानी कि पिक वगैरह घूम के एक ही साथ भाई आप मैच को भी कंप्लीट कर पाओगे। तो है ना, काफी कमाल का बात। और भाई इसी के साथ मैं आपको बता दूं गेम के अंदर एक और ऐसा अपडेट आएगा जो कि आप सुनने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, यानी कि भाई गन स्किन के ऊपर आपको OB45 अपडेट के बाद एक चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा अगर आप कोई भी गन स्किन को लेते हो तो भाई उसका स्किन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड वही एट्रीब्यूट्स आपको मिलता है यानी कि गेम के अंदर। पर दोस्तों OB45 अपडेट के बाद आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी गन स्किन को आप मतलब सिलेक्ट करके रख सकते हो, पर भाई उसके अंदर आपका पसंदीदा गन का एक एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि जो भी हमारा लाइक लॉन्ग रेंज का गन है उसके अंदर लॉन्ग रेंज का ही मतलब कोई गन का एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, जो भी शॉर्ट गन का लाइक होता है ना गन स्किन है उसके अंदर शॉर्ट गन का ही कोई भी एट्रीब्यूट्स को डाल सकते हो, यानी कि अपना जो M1014 2.0 है और हमारा ग्रीन फ्लेम ड्राको M1014 है जो कि ओल्ड है, उन दोनों का भी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर उसके अंदर कर सकते हो। और साथ ही साथ भाई ड्राको AK एंड और भी अनदर गन स्किन वगैरह उसका भी एट्रीब्यूट्स इधर उधर कर सकते हो, यानी कि पसंदीदा गन स्किन अपने पास रख सकते हो, यानी कि दिखा सकते हो कि हाँ मेरे पास ये है। पर ऐसा होता है कि हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका एट्रीब्यूट ज्यादा अच्छा है तो भाई उस गन स्किन को लेना पड़ता है, पर OB45 अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा, आप कोई भी गन स्किन लो उसके अंदर आप गन स्किन का मनपसंद एट्रीब्यूट डाल सकते हो।
यानी कि अगर आपको कोई अलग गन स्किन का एट्रीब्यूट्स पसंद है तो भाई आपका पसंदीदा स्किन जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है आपको उसके अंदर डाल सकते हो। आई होप कि आप लोग समझ चुके हो। और चलिए इसी के साथ बढ़ते वीडियो में आगे। और दोस्तों बात करें अपना इंडिया सर्वर में आपको पोकर MP40 स्किन कब रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यार अब में से काफी सारे भाई अभी के टाइम पे मेरे को कमेंट करते रहते हो इसके ऊपर, बताओ पोकर MP40 स्किन कब रिटर्न आएगा। तो दोस्तों देखो अभी के टाइम पे जैसे कि पता होगा हमारा 7th एनिवर्सरी इवेंट आ रहा है, तो दोस्तों आपको हमारा पोकर MP40 स्किन के बारे में फिलहाल तो ऐसा कुछ अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, पर मे भी हो सकता है OB45 अपडेट के बाद कुछ अपडेट मिले जैसे कि भाई हमारा पोकर MP40 स्किन रिटर्न वगैरह आए। एंड अभी के टाइम पे ये कहूंगा भाई कुछ अपडेट नहीं है, पर हो सकता है कि ये भी आपको देखने को मिल जाए। एंड इसी के साथ दोस्तों अब में से काफी सारे अभी तक कंफ्यूज्ड हो हमारा गेम में कब हमारा बनी बंडल रिटर्न आएगा, तो दोस्तों आपको बता दूं बनी बंडल रिटर्न तो नहीं आएगा, पर भाई बनी बंडल का नया जो बंडल वगैरह था वही देखने को मिलेगा, जैसे कि अपना लुमिनियस बनी बंडल और साथ ही साथ भाई हो सकता है अपना साइबर बनी बंडल आपको दोनों ही इसी इवेंट के अंदर देखने को मिले, यानी कि भाई रिंग इवेंट के अंदर। और दोस्तों साइबर बनी बंडल तो ऑलरेडी आ चुका है तो भाई ये रिटर्न आएगा, पर लुमिनियस बनी बंडल के साथ साथ हो सकता है अपना जो बनी बंडल था उसके थीम पे जो भी नया बनी बंडल को मेक किया गया था जैसे कि लावा थीम है, फायर थीम है एंड येलो कलर का है, मतलब बहुत सारा थीम है, तो भाई ये सारा बंडल हो सकता है इसी के साथ आपको देखने को मिल जाए, यानी कि गेम के अंदर नया करके। आपको पता होगा ये सारा बंडल ऑलरेडी बाहर के काफी सारे सर्वर में आ चुका है, पर इंडिया सर्वर में अभी के टाइम पे दिया नहीं गया है, यानी कि काफी टाइम से आ रहा है ऐसा बोलता है पर भाई आया नहीं है, तो मे भी हो सकता है आपको काफी जल्द एक इवेंट देखने को मिले जिसके अंदर आपको 100% कंफर्म लाइक कंफर्मेशन अपडेट मिलेगा कि हाँ अपने जो बनी बंडल है वो फाइनली आ रहा है। पर दोस्तों मैं इतना कहूंगा अगर बनी बंडल जो कि ओल्ड थीम पे था वो अगर ना आए तो हो सकता है आपको लुमिनियस बनी बंडल 100% देखने को मिलेगा अपना OB45 अपडेट के बाद। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर से जरूर बता देना अपना लुमिनियस बनी बंडल आपको कैसा लगता है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते वीडियो में आगे। और भाई बात करें इस बार एक और बहुत ही कमाल का इवेंट के बारे में जो कि भाई आपको इंडिया सर्वर के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों फाइनली अपना जो आर्कटिक ब्लू बंडल था इसका एक इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आर्कटिक ब्लू बंडल फाइनली आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको हमारा ये जो सस्ता थ्रॉन बंडल था ये भी गाइस आपको देखने को मिलेगा। और भाई बात करें इवेंट का क्या लीक मिला है, तो भाई सबसे पहले तो आप पोस्टर देख लो, कुछ इस टाइप का एक पोस्टर निकल के आया है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है आपको हमारा सस्ता थ्रॉन बंडल देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको हमारा इसमें एक आर्कटिक ब्लू बंडल भी रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों हो सकता है इसके अंदर कोई अनदर आइटम को भी ऐड किया जाए, या तो भाई मेरे को लग रहा है हो सकता है आपको हमारा इंडिया सर्वर में आर्कटिक ब्लू बंडल का एक बंडल देखने को मिलेगा एंड हमारा सस्ता थ्रॉन बंडल भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ अगल बगल में हमारा सस्ता थ्रॉन थीम पे जो भी आइटम वगैरह था वही देखने को मिलेगा। तो बताना आप आर्कटिक ब्लू बंडल के लिए कब से वेट कर रहे थे, एंड दोस्तों लो फाइनली ये आ भी रहा है, मतलब है ना काफी एक्साइटेड बात। एंड दोस्तों जैसे कि बताया था हमारा आर्कटिक ब्लू बंडल के बारे में मैं आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो भाई लो एंड काफी टाइम से बता के भी आ रहा था आपको आर्कटिक ब्लू बंडल फाइनली लगभग जून मंथ के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा, पर ये नहीं पता था आपको जून मंथ का लगभग 10 तारीख के दिन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों अभी के टाइम पे अपना जो आर्कटिक ब्लू बंडल रिटर्न आने का लाइक डेट है वो बताया जा रहा है 10 तारीख, तो वेट करो यार 10 तारीख के अंदर अपना आर्कटिक ब्लू बंडल आपको 100% रिटर्न देखने को मिलेगा, तो है ना काफी कमाल का अपडेट। और चलिए इसी के साथ बढ़ते वीडियो में आगे। और बात करें अपना 7th एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल और क्या कुछ अपडेट वगैरह मिला है, तो दोस्तों आपको जैसे कि बताया था हमारा ग्लाइडर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 7th एनिवर्सरी स्पेशल, तो भाई ग्लाइडर आपको रिटर्न देखने को मिल ही जाएगा जो कि ओल्ड पिक के अंदर रहेगा, यानी कि आपको हेल्प करेगा ओल्ड पिक से नया पिक आने में एंड ऐसा ही टाइप का सीन रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं गेम के अंदर नया कैरेक्टर भी आ रहा है जो कि आपको पता होगा अपना न्यू केली कैरेक्टर का जो लुक है वो भी आपको दिखाया था कल के वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। साथ ही साथ जो नया कैरेक्टर होगा जो कि फीमेल कैरेक्टर है एंड इसका जो एट्रीब्यूट्स है बहुत ही बढ़िया, यानी कि एबिलिटी, यानी कि भाई आपके टीममेट के साथ आप एक बॉन्ड तैयार कर सकते हो एंड आपका टीममेट को अगर लाइक कोई भी गोली वगैरह मारता है, हेल्थ अगर डाउन होता है, तो भाई पर सेकेंड आपके टीममेट को 3 HP करके दिया जाएगा
साथ ही साथ उसका जो एक्टिव स्किल था वो भी आप ले सकते हो, यानी कि उसी बॉन्ड के थ्रू, तो है ना काफी कमाल का बात। और भाई साथ ही साथ चलिए बात करें आप लोगों का कुछ कमेंट के बारे में, क्योंकि यार हर दिन आप लोग कमेंट करते रहते हो, पर दोस्तों अभी के टाइम पे आप लोग इतना ज्यादा यार मेरे से नाराज हो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि यार वीडियोस वगैरह आप अच्छे से उतना देख नहीं रहे हो। हालांकि चलो कोई बात नहीं है, आप आगे जाके मैं आपको कंफर्म अपडेट जो भी होगा वो तो बताने की कोशिश करूंगा ही। हालांकि ऑल टाइम मैं आपको सभी के सभी अपडेट एकदम जेन्युइन एंड कंफर्म देता रहता हूं। पर दोस्तों चलिए बात करें आप लोगों का कुछ कमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इधर पे एक भाई ने कमेंट किया है, आप फेस रिवील कर दो। हाँ यार भाई ऑलरेडी मैं फेस रिवील कर चुका हूँ, अगर मेरे को नहीं देख लो तो जाओ इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। एंड इसी के साथ दोस्तों और एक भाई कमेंट किया है, भाई लव यू। हाँ यार भाई आपको भी लव यू टू। एंड इसी के साथ और एक भाई कमेंट किया है, हेलो सर, हेलो यार। एंड इसी के साथ भाई और एक भाई कमेंट किया है, भाई पोकर MP40 कब आएगा। तो भाई पोकर MP40 के बारे में जो भी अपडेट था या तो जो भी मेरे को पता था सब कुछ ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, अगर आप उस पार्ट को मिस कर चुके हो तो अगेन जाओ जाके देख लो। एंड इसी के साथ बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में, तो इधर पे और एक भाई कमेंट किया है, बिग फैन सर। हाँ यार भाई मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड साथ ही साथ भाई और एक भाई इधर पे कमेंट किया है, सर आप बिहारी हो। नहीं यार भाई मैं बंगाली हूँ एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मतलब अगर आपको नहीं पता तो बता के रखा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना एंड भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अगर आप रियली मेरा लाइक एक सब्सक्राइबर हो या तो भाई मेरा एक भाई हो, तो वीडियो को आपके दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं।